कांग्रेस की शेरनी नूरी खान को पुलिस पकड़ कर ले गई, फिर राहुल ने मचाया गदर। महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष नूरी खान को उज्जैन में नजरबंद कर दिया गया है। भारत जोड़ो यात्री नूरी खान को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। नूरी यात्रा के विश्राम के दौरान उज्जैन आई हुई है। आज उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भी दौरा है। नूरी सीएम को सिंहस्थ भूमि से लोगों को हटाने के विरोध में ज्ञापन देने वाली थी, इसी को लेकर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में जल महोत्सव के उद्घाटन सत्र में पहुंचे। सीएम ने कानीपुरा में पीएम आवास योजना के तहत 152 परिवारों को उनके नए घर में प्रवेश कराया। इसी बीच नूरी खान सीएम शिवराज को सिंहस्थ भूमि में घर खाली कराने के लिए गरीबों को अल्टीमेटम देने के मामले में ज्ञापन देने घर से निकली थी, तभी पुलिस ने उन्हें घर के गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ जमकर बहस भी हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में महिला कांस्टेबल नूरी खान का हाथ पकड़ी है और उन्हें घर के अंदर ले जाती नजर आ रही हैं। इस दौरान नूरी खान महिला कांस्टेबल से हाथ छुड़ाने का प्रयास करती नजर आ रही हैं। वो अपनी स्कूटी में जाकर बैठती हैं और सीएम से मिलने जाना चाहती हैं, मगर महिला कांस्टेबल उनकी स्कूटी से चाबी निकाल लेती है। इस दौरान नूरी खान और कांस्टेबल के बीच तीखी बहस भी होती है। पुलिस द्वारा नजरबंद करने पर नूरी खान ने कहा कि वह गरीबों की समस्या को बताकर सीएम से समाधान चाहती थी, मगर पुलिस ने सीएम से मिलने के लिए रोका और घर से ही निकलने नहीं दिया, ना वाहन से ना पैदल जाने दिया। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।